भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्कर्ष चौधरी ने रविवार को भुडेर के अनेकों गांवों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभाओं में कहा कि सोमवार को उनके क्षेत्र में सभाओं को पार्टी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर संबोधित करेंगे। जिस प्रकार उनकी सभाओं में काफी संख्या में लोग उत्साह साथ जुड़े हैं, उन्हें पूरा पूरा भरोसा हो गया है कि सोमवार 7 मई को पार्टी उम्मीदवार गुर्जर सभाओं में भारी संख्या में लोग जुटेंगे। चौधरी ने कहा कि पिछली बार 2014 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से गुर्जर को आपने जिताया था, परंतु अब जिस प्रकार से लहर पहले से ज्यादा चल रही तो है, तो यही साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुर्जर देश में टॉप पोजीशन पर रहने वाले प्रत्याशियों में शामिल रहकर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। देखिए, बदलाव ये है कि जो उत्साह पिछली बार 100% था, वो 200% है। जो पिछली बार एक लोगों में उम्मीद थी कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के बारे में, गुजरात के बारे में केवल सुना था, देखा नहीं था, तो जो लहर पिछली बार उम्मीद की थी, इस बार वो विश्वास की लहर। लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी के, जिनके साथ उन्होंने इतनी उम्मीद के साथ पिछली बार 2014 में काम करा था, इस बार उन्हें विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ वो मोदी जी को लेकर गए थे, उस पर नरेंद्र मोदी जी 100 के 100 खड़े हुए। अवतार भराणा का फरीदाबाद में पुतला दहन किया गया, पलवल में पुतला दहन किया गया, उस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो मतलब निशब्द रह गया हूँ कि इस प्रकार के लोग भी राजनीति में हैं। जहाँ जाता है वैसी बात कर देता है, मेवात में जाता है तो कहता है मेवात का अवतार, मीरापुर में गया मैंने इसकी वीडियो देखी, वहाँ पे जाके कह रहा है कि अवतार कोई गुजर सम्राट नहीं है, अवरार कोई गुजरों का इमाम नहीं है, अब से अवतार का नाम नया है, अवतार आपका अवतार सेवक मीरापुर। ये तो इसको तो बॉलीवुड जाना चाहिए, ये यहाँ पे क्षेत्र में राजनीति करके कर क्या रहा है, ये तो अच्छा वहाँ विलन का रोल निभाएगा, ये तो इसको बॉलीवुड में किसी अच्छी फिल्म में विलन का रोल मिल जाएगा। इसके शौक भी वैसे ही है फिल्म वाले, इसके नेताओं वाले शौक नहीं है। दिल्ली में कल केजरीवाल पर थप्पड़ चला है, केजरीवाल ने इसके पीछे कहा कि मोदी का इसमें हाथ है। ये जनता का हाथ है, मोदी का हाथ कहाँ है इसमें? अब जनता के हाथ में भी मोदी का हाथ बता रहा है, मतलब ये तो एक तरीके से हथियार डाल चुके हैं। इन्हें 5 साल का बच्चा हो, 90 साल का बुजुर्गवान हो, वो कोई भी प्रतिक्रिया दे, इनको उसमें मोदी का ही हाथ दिखाई दे रहा है। ये लाचारी की और कमजोरी की परिभाषा इन्होंने स्थापित कर दी है कि इससे लाचार और कमजोर नेतृत्व कहीं हो नहीं सकता। हर चीज़ में मोदी जी को जिम्मेवार बता देते हैं। आज के कार्यक्रम में आप किस तरह का नोता लेकर आए हैं? कल माननीय मंत्री जी का दौरा पलवल क्षेत्र में रहने वाला है, तो इन बुढ़ेर के और कान्हा लालवा हमारे इन गाँव में भी मंत्री जी का दौरा रहने वाला है, तो यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है मंत्री जी के दौरे को लेकर के। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ आने पर ही कितना भारी जन समर्थन यहाँ पे, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो कल मंत्री जी का दौरा रहेगा, लोग यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और बहुत ही विश्वास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करना। उत्कर्ष चौधरी के गांवों में पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया, उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। कई गांवों में परंपरा के अनुसार महिलाओं ने तिलक लगाकर और आरती कर अपना आशीर्वाद दिया। कई गांवों में बाइकों के काफिले में उन्हें सभा स्थल लाया गया। एक सवाल के जवाब में उत्कर्ष चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के 10 मई के दौरे के रद्द होने के जवाब में कहा, व्यस्तता के चलते अचानक दौरा रद्द हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी गुर्जर की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। अभी मेरे संज्ञान में कोई ऐसा कारण नहीं है, शायद उनकी व्यस्तता रही हो कि उनका आना यहाँ पर संभव नहीं हो पाया हो, और मुझे लगता है कि जो पूरे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को ज़्यादा वहाँ समय लगाने की ज़रूरत है जहाँ उनकी उपस्थिति की जनता में। यहाँ पर मुझे लगता है कि जनता स्वयं ही पहले ही निर्णय बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आश्वासन, अपना समर्थन दे चुकी है और निश्चय ही उनकी जीत भी होगी। ये प्रदेश भाजपा का ये दौरा था, अमित शाह का, उनकी तरफ से रखा गया था कार्यक्रम, इनके दो कारण बताए गए हैं। एक तो औरंगाबाद में जब सीएम साहब आए थे, जनसभा में उतनी भीड़ नहीं जुटी थी, दूसरा जगह जगह कृष्णपाल गुर्जर का गाँव में विरोध हो रहा है।
नहीं ऐसा नहीं है। औरंगाबाद वाली रैली में मेरे ख्याल से सारे मीडिया छायाकार बंधु भी थे। उस रैली में हमने सोचा था कि 8-10 हज़ार लोगों की भीड़ होगी, उस रैली में तो 20 हज़ार की भीड़ होगी। जो वो मैदान था उसमें लोगों के लिए खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी ज़बरदस्त भीड़ उस रैली की थी। और जहाँ तक विरोध की बात रही, मुझे तो कहीं भी अभी तक, मैं पलवल क्षेत्र के 100 से भी अधिक गांवों का दौरा कर चुका हूँ, मुझे अब तक कहीं भी विरोध का स्वर न तो दिखाई पड़ा है न सुनाई पड़ा है। सामाजिक तत्व जरूर होंगे जो कि विरोधियों की ऐसी साजिश होती है कि कहीं एक दो आदमी असामाजिक तत्व अपने बिठा करके योजनाबद्ध तरीके से ऐसी चीज़ें, पर ऐसी गंदी राजनीति ना तो हम करते ना हमारी ऐसी सोच, और जो करते हैं उनका भी 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस समस्त क्षेत्र की जनता उनका इलाज करने का काम करेगी। कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उनके कामों से खुश हैं और वो चाहते हैं कि फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। और हम गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, उसमें लोगों में बहुत ही उत्साह है कि इस बार भी मोदी जी ही जीतेंगे। तो आपका जो कैंडिडेट है यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर, क्या मोदी की वजह से जीतेंगे या उस अपने काम की वजह से जीत हासिल करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं काम तो उन्होंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम से वोट बहुत जा रही है। किशन पाल गुर्जर जी इस बार जरूर जीतेंगे, हम भारी मतों से उनको जिताएंगे। मैं गांव जा, हम लोग गांव घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो महिलाएं भी उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो चौधरी किशन पाल गुर्जर जी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। गाँव में जगह जगह विरोध भी हो रहा है किशन पाल गुर्जर का, क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो देखो, ये तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी जिस वजह से लोग इतना वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो चेहरे को ना देख के, मोदी जी के नाम को देख के, कमल के उस पर ही बटन दबाएं। मेरी हाथ जोड़ के बस यही विनती है उन लोगों से। महिलाओं का इस बार वोट प्रतिशत कितना रहेगा, मतदान क्या, कितना प्रतिशत मतदान करेंगी महिलाएं? इतना तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितना जहां तक मैं जानती हूं, बहुत ज़्यादा ही महिलाएं, जहां जितना मैं घूम रही हूं फिर रही हूं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर वोट सारी महिलाओं की किशन पाल गुर्जर जी को ही जाएंगी, अन्यथा और किसी को नहीं। आप कहां कहां जा रही हैं आजकल? मैं मीसे गांव गई हूं। नहीं, वैसे ओवरऑल कहां कहां जा रहे हैं आप, मतलब उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां आपके संबंध हैं या पार्टी आपको भेज रही है? नहीं, मैं हम सब जगह जा रहे हैं, जहाँ पार्टी से मतलब नहीं है इसमें, हम लोग गांव-गांव जहाँ हमारा दिख रहा है, हमारा पूरा ऑल, हम उसमें स्टेट में अपने आप पूरे पलवल में जहाँ गांव है आसपास के, सब जगह हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों में भी, हमारे आस पड़ोस के, वैसे भी सब लोग हमें देख के बहुत खुश हैं और बीजेपी को ही जिताएंगे वो। गाँवों में हम भी गाँवों में जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच में रहेगा? प्रत्याशी तो मेरे ख्याल से अवतार भड़ाना जी हैं ही उनके सामने, तो लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं अवतार भड़ाना जी जीत पाएंगे, हमारे किशन पाल गुर्जर ही जीतेंगे।